हेलो दोस्तों, बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा उमस हो जाती है और भाई हमें किचन में काम करने में बड़ा ही जोर आता है। तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप खाने के टाइम पर भी बना के खा सकती हो, नाश्ते में बनाकर खा सकती हो, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनकर तैयार होती है। 5 मिनट के लगभग आपको टाइम पूरे नाश्ते को बनाने में लगेगा। तो रेसिपी तो बेहद ज़्यादा आपको आज की पसंद आने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा और राधा जी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। करते हैं रेसिपी को स्टार्ट बिना देरी करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 प्याज ली थी और उनको छील लिया था, और छीलने के बाद यहाँ गोल गोल कट कर लिया स्लाइस में, कुछ इस तरीके से हल्का इनको मोटा रखना है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है क्योंकि काफी लोग प्याज नहीं खाते हैं तो वो क्या करें भाई, वो यहाँ पर बॉइल्ड आलू ले सकते हैं और गोल गोल इस तरीके से कट कर सकते हैं। दोनों ही नाश्ते अच्छे लगते हैं, प्याज में भी बनाओगे तो मीठा मीठा लगेगा, आलू में भी बनाओगे तो टेस्टी बनेगा। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे, तो 1/4 चम्मच के लगभग लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, साथ में ओरिगेनो डाल देंगे 1/2 चम्मच के लगभग छोटी। ओरिगेनो नहीं हो तो आप यहाँ पिसा हुआ धनिया भी दरदरा कूटा डाल सकते हो। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, बट थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमें प्याज में मीठापन बनाए रखना है। ज़्यादा नमक डालने से प्याज का मीठापन कम हो जाता है। 1/2 चम्मच यहाँ चाट मसाला डाल देंगे, हल्का हल्का इसको टोस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो प्याज में एकदम बढ़िया मसाले कोट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। देख रही हो, आपको नज़र आ रहे होंगे प्याज में काफ़ी अच्छे से मसाले हमारे कोट हो चुके हैं। तो इसको रख देते हैं साइड में और नेक्स्ट तैयारी भी बिना देरी करें हम यहाँ कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे बड़ा सा, और उसमें हमें 1 कप बेसन ले रहे हैं, तो बेसन को हमने यहाँ छान लिया है। इस नाश्ते को हम बेसन में ही बनाएंगे, आप बेसन ही लें। साथ में रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे थोड़ी सी, 1/4 चम्मच के लगभग, क्योंकि कुछ मिर्ची हमने ऑलरेडी डाली हुई है प्याज में। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, नमक का भी ध्यान रखते हुए डालना है आपको क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी डाला हुआ है कुछ। हरे धनिया की पत्ती डाल देंगे कट करके, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ मिक्स कर देंगे। आपने नाश्ते तो फ्रेंड्स कई खाए होंगे, पर जो ये बेसन और प्याज का नाश्ता बनता है ना, बेहद ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब एक साथ पानी नहीं डालना है हमें, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। इससे ये होगा कि हमारे बेसन में गुठले नहीं पड़ेंगे, वरना एक साथ पानी डालने से बेसन में हल्के हल्के लम्स रह जाते हैं, फिर वो गंदे लगते खाने में, आते ना मुँह में अच्छे नहीं लगते। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे, तो एकदम बढ़िया हमारा यहाँ बेटर बन जाएगा कुछ इस तरीके का। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है, तो करीब आपका जितना बेसन है उतना पानी यहाँ लग जाएगा, तो 1 गिलास के लगभग हमारा यहाँ पानी लग जाएगा, थोड़ा सा ही बचता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी हमने डाल दिया और इसका एकदम बढ़िया बेटर कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। देख रहे हो काफ़ी गाढ़ा है, अभी हम इसको रेस्ट पे भी रखेंगे तो एकदम बढ़िया ही अच्छे से फूल जाएगा, तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। कंसिस्टेंसी आप यहाँ ध्यान से देख लेना फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया है। हल्के हल्के इसमें रिबन बन रहे हैं, तो इसको कवर करके रख देते हैं 5 मिनट के लगभग। ज़्यादा देर हमें बिल्कुल नहीं रखना क्योंकि बेसन चने का होता है, तो थोड़े चने जो है फूलते हैं, इससे हमें अंदाजा हो जाता है। तो आप देख रहे हो कितना गाढ़ा हो गया, इसको हम यहाँ ओपन करके देख रहे हैं। तो अब इसमें हम यहाँ नींबू का रस डाल देंगे, 1 नींबू को निचोड़ के, क्योंकि भाई टमाटर तो काफ़ी महंगे आ रहे हैं, 200 रुपये किलो हो गए हमारे यहाँ। आपके यहाँ कितने रुपये किलो है मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। तो नींबू का रस डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे, आप चाहो तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो उस जगह। अब हमने गैस ऑन करके पैन चढ़ा दिया, इसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे, बहुत ही कम ऑयल में नाश्ता बनकर तैयार होता है, सच्ची में यकीन मानना, टेस्टी भी बेहद ज़्यादा होता है। तो अब हमें ज़्यादा बेटर नहीं लेना है, 1/2 स्पून के लगभग हमने यहाँ बेटर लिया। इसको हल्का हल्का हम पतलापन पे ही फैलाएंगे कुछ इस तरीके से, गोल गोल कर देंगे। तो दूसरी साइड भी इसको इसी तरीके से फैला देना है हमें सेम। मैं एक बार में 2 नाश्ते बनाकर तैयार कर रही हूँ, आप चाहो तो 1 ही नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हो, और भी बड़ा बनाओगे तो। बाकी मैंने मीडियम साइज़ का नाश्ता बनाया था, या फिर आप है ना एक ही मतलब पैन में 4 नाश्ते को भी बनाकर एक ही बार में तैयार कर सकते हो, वो जो है थोड़े छोटे छोटे बनेंगे। तो अब हमने जो प्याज मिक्स करके रख रही है ना मसाले वाली, उसको इसमें डाल देना है कुछ इस तरीके से। गैस की फ्लेम आप इस टाइम पर स्लो कर लेना, क्योंकि बेसन जो है तुरंत के तुरंत पकने लगता है, फिर कड़क हो जाता है, फिर जो आप प्याज वगैरह इस पर लगाओगे तो अच्छे से बिल्कुल सेट नहीं होगी इस पर। तो अब गैस की फ्लेम स्लो है और उसको तुरंत के तुरंत आपको काम करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3-3 प्याज के स्लाइस रख दी दोनों ही साइड। अब इसको ढककर रख देंगे तो बेसन अच्छे से पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट के लगभग ही लगेगा। गैस की फ्लेम आप यहाँ स्लो कर देना। अब इसको हम यहाँ ओपन करके देख रहे हो, देख सकते हो काफ़ी अच्छा हमारा नाश्ता सीखकर तैयार हो गया है, बिल्कुल भी बेसन हाथों से चिपकेगा नहीं, तभी समझ जाना आप यहाँ आपका नाश्ता बन चुका है। लगभग बना है बट पूरी तरीके से नहीं बना है, हल्का सा ऑयल ग्रीस कर देंगे जिससे प्याज नीचे की साइड जाएगी तो अच्छे से सिक जाएगी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएगी। तो इसको हमने पलट दिया, इस नाश्ते को भी हम यहाँ पलट देंगे, और दोनों ही साइड से हमें नाश्ता अच्छे से सेक कर तैयार कर लेना है। फ्रेंड देख रहे हो ना कितना टेस्टी नाश्ता लग रहा है, एक बार आप इस नाश्ते को जरूर बनाना, आपके घर में बेहद ज़्यादा सभी को पसंद आएगा। तो इसको ढककर हम वापस से यहाँ पर रख देंगे, 1-1.5 मिनट का लगभग टाइम आपको यहाँ लग जाएगा क्योंकि प्याज को पकने में हल्का सा टाइम लग जाएगा। ओपन करके इसको हम यहाँ देख रहे हैं, दोनों ही साइड से हमने नाश्ते को यहाँ सेक कर तैयार कर लिया है।
एकदम टेस्टी नाश्ता हमारा यहाँ बनकर तैयार हो गया। सच्ची में बहुत ही कम समय में बनकर नाश्ता तैयार होता है, एक प्लेट में हम यहाँ निकाल लेते हैं और पूरे ही नाश्ते को हमें ऐसे ही बनाकर तैयार करना होता है। फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट करें और कॉमेंट में मुझे स्पेशली लिखकर जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कितनी पसंद आई और आगे मैं आपके लिए किस चीज़ की वीडियो लेकर आऊँ ये भी प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट में लिखकर बता दिया करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरे लिए आसानी होगी। तो सेम जैसे हमने पहले वाला नाश्ता बनाया था ना उसी तरीके से आपको पूरा नाश्ता यहाँ बनाकर तैयार कर लेना है। करीब आपके 8 पीस या नाश्ते के बनकर तैयार होंगे, बट मैंने अभी यहाँ 4 पीस ही बनाए हैं क्योंकि जो भी कोई खाएगा तो मैं गरम गरम वापस से इस नाश्ते को बना दूंगी। ये प्याज का नाश्ता है ना तो रखकर स्मेल हो जाती है, तो तुरंत के तुरंत बनाओ और तुरंत के तुरंत खाओ, ऐसा ही नाश्ता। देख रहे हो कितना टेस्टी लग रहा है ना फ्रेंड्स, मुँह में पानी आ रहा होगा आपके, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इसको टमाटो केचप के या सिंपली इसे भी इंजॉय कर सकते हो या फिर हरी मिर्च की चटनी के साथ खाएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक।